इसका डिमांड होगा, प्रमुख का डिमांड होगा, डिमांड होगा पंचायत समिति का, पंचायत समिति डिमांड करेंगे प्रमुख से, अब प्रमुख पास करवाएगा वीडियो से, गांव के मुखिया सरपंच प्रधान डिमांड करेगा किससे, जनता डिमांड करेगा मुखिया से, रोड बनाओ, सड़क बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, और ये पास करवाएगा किससे, वीडियो से। सिमिलरली यहां तक समझ गए, अब हर ब्लॉक से प्रत्येक ब्लॉक से एक जिला परिषद चुनी जाए, क्या चुना जाएगी, जिला परिषद, जिला परिषद का सदस्य, क्या चुना जाएगा, जिला परिषद का सदस्य। जिला परिषद का सदस्य चुनी जाए, और ये जिला परिषद एक ब्लॉक के अंतर्गत, एक ब्लॉक के अंतर्गत एक ही जिला परिषद होगा, कितना होगा, एक, लेकिन एक जिला में कई ब्लॉक होंगे, एक जिला में कई ब्लॉक, लगभग किसी किसी जिला में 8 to 10 ब्लॉक हो सकते हैं, कितने ब्लॉक हो सकते हैं, 8 to 10 ये 8 to 10 ब्लॉक में से कितने जिले परिषद का सदस्य चुनी जाएगी, 8 to 10 यानी ये 8 to 10 जो जिला परिषद का सदस्य जो चुना जाएगा, से 10 जो जिला परिषद का सदस्य चुना जाएगा, सदस्य इसमें से भी एक अपने को जिस तरह यहां पर प्रमुख हुआ, इसमें से ये अपने को एक हेड को चुनेगा जो जिला परिषद कहलाएगा, ये जिला परिषद का सदस्य हुआ, आइए क्या कहलाएगा, जिला परिषद, जिला परिषद या जिला परिषद का अध्यक्ष। लेकिन बेटा ध्यान रखना है, जिला परिषद का अध्यक्ष ये नॉमिनली होगा नाम मात्र के, लेकिन रियल जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होंगे, डीएम, ये आपका 3-tier सिस्टम ऑफ दी लोकल गवर्नमेंट, बुझे कि नहीं बुझे, बुझ गए।